हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो ना कमाल की वीडियो है। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं अभी ना, दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस से ना मतलब 10th पासों के लिए ना मतलब 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, जो लोग 10th पास करके जॉब पाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट ऑफर है। तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और आपको ये जॉब कैसे मिलेगा, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो लोग नए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, जो लोग 10th पास वाले हो उनके लिए इंडियन पोस्ट की तरफ से, भारतीय डाक की तरफ से न्यू वैकेंसी आया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर पे जब जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इंडियन पोस्ट। ठीक है, तो चलो मैं टाइप कर देता हूँ इंडियन पोस्ट। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो भारतीय डाक की तरफ से ना 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी आया है 10th पास वालों के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आने के बाद दोस्तों रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आगे देखता हूँ क्या होता है। अब रिक्वायरमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन GDS रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो GDS वालों के लिए आया है, तो यहाँ पे ओके कर देना। ठीक है, आपको ये दिख रहा है यार GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो GDS ऑनलाइन शेड्यूल जुलाई नंबर पोस्ट 44,228 सबमिशन स्टार्ट, मतलब 15/7/2024 से 5/8/2024 तक भाई ये वैकेंसी रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट। और इसमें एक सैलरी पैकेजिंग की बात कर ले दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और दोस्तों मैं बात कर लूँ ये कौन कौन से, तो दोस्तों हम बात कर लें स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, मतलब यार मुझे लगता है ना ज़्यादातर स्टेट में ये वैकेंसी आया। तो हम यार बिहार के हैं, तो हम अपना वैकेंसी और इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो भी सारा आपको मैं बता दूंगा। आप बिहार पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं दरभंगा पर आ जाता हूँ। ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। और नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं, तो स्टेज 1 जो कहता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, SS पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, मतलब आप स्कूल में जो है 10th पास जब हुए थे तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, फादर नेम डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे, जेंडर क्या है, कम्युनिकेशन सरकार, तो चलो ये सब मैं फिल करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थडे डाल देते हैं, देख सकते हो आप मेरा 2002 है। ठीक है, अपना सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से जो आपका डेट ऑफ बर्थडे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेस्क करते हैं, तो मेरा 18/6/2002 है। यहाँ पे जेंडर आ जाते हैं, तो जेंडर में हम मेल है, तो जो लोग फीमेल वाले हैं उनके लिए भी है, तो मेल हम लोग हैं। सेलेक्ट ए कास्ट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आप कौन सी मतलब इसमें आते हो, तो SC ST OBC UR UREs, तो यहाँ पे अब कास्ट सेलेक्शन कर लेते हैं, तो हम UR कर देते हैं। सेलेक्ट टू सर्कल, यहाँ पे सर्कल जो हम कर देते हैं दोस्तों, हम जो है बिहार से हैं। ठीक है, सेलेक्ट टू ईयर पासिंग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, तो हम पास किए हैं 2020 में। ठीक है, तो हम 2020 डाल देते हैं। इंटर योर टेक्स्ट शो, अब ये जो टेक्स्ट है ना ये यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं दोस्तों फटाफट, वैलिड है, वैलिड यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे आप वैलिड कर लेना। ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी पे क्लिक कर लेना, ओके कर देना QDNST। ठीक है, OTP आपको फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे OTP गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, चेक करते हैं। रुको दोस्तों, मेरे मोबाइल पे OTP आता है, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सबमिट हो गया। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे कौन सा OTP आया वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देख सकते हो दोस्तों स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू द डिटेल्स रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब चेक कर लो इन्होंने बताया है। उसके बाद प्लीज कंटिन्यू द सिलेक्शन डिटेल, आधार नंबर डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हम आधार नंबर फटाफट डाल देते हैं यहाँ पे दोस्तों, आधार नंबर फिल कर दे। यहाँ पे बोल रहा आर यू पर्सन विद, मतलब आप विकलांग हो, तो भाई मैं नहीं हूँ, तो नो पे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो अगर नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। सेलेक्ट टू PDF से मतलब लैंग्वेज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब यहाँ पे आप डाल सकते हो कौन से लैंग्वेज में किए हो, तो मैं हिंदी डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे
हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नो डाल देते हैं भाई, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट विद एम्प्लॉयर। तो चलो मैं इमेज, यार दोस्तों यहाँ पे ना अपना फोटो डाल देना और यहाँ पे सिग्नेचर डाल देना, ठीक है। और अपने फोटो का साइज जो है ना 50 KB रखना, अगर आपका ज़्यादा साइज है ना तो यार आप अपने फोटो को ना अपना साइज कम कर सकते हो, वो भी वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है, साइज कैसे कम करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप अपना सिग्नेचर डाल देना, ठीक है, वो भी 20 KB का, ठीक है। चलो मैं फिल करता हूँ दोस्तों, मैं सिग्नेचर डालता हूँ। अब देख सकते हैं मैं सिग्नेचर भी डाल दिया, अपना फोटो सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देख सो आप अपना एक बार 2020 नो यस यहाँ पे कर देना, ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद डियर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल नंबर, मतलब ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट टू सर्कल यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप मतलब कहाँ से हो, तो भाई मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ पे उसके बाद सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद 1 मिनट वेट करते हैं दोस्तों, और मैं ओटीपी फिल कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो मेन एड्रेस डालना आपको, ठीक है, एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पे डूड अपार्टमेंट नंबर सब डाल देता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सेम कर देते हैं। अब जैसे आप दूसरी जगह रहते हो और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दूसरा डालना चाहते हो वो कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट टू बोर्ड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, बिहार बोर्ड ओपन स्कूल एग्जामिनेशन भी, तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। सेलेक्ट टू टाइप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो मार्क्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट रिजल्ट, फिल करने के बाद आप अपना सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे सेव टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। प्लीज इंटर योर नंबर पोस्ट प्रेफरेंस सीरियल टू इंटर वैलिड एक्सपीरियंस। अब दोस्तों देख सकते हो डाटा सबमिट योर कंप्लीट, ओके कर लेना, ठीक है। उसके बाद इंडियन पोस्ट सेज फ्री वंस रिफंड इंडियन ऑन योर क्वालिफिकेशन मेकिंग ए पेमेंट, ओके कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद पेमेंट पे आ जाते हैं, अमाउंट ₹100 पेमेंट करना। उसके बाद पेमेंट कर दोस्तों पेमेंट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे यू आर सब कुछ अपने मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आप, अब आपके सामने हर टाइप से आ जाता है, नेट बैंकिंग QR कोड, तो मैं QR कोड कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं पेमेंट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 मिनट के लिए वैलिड रहता है दोस्तों। अब देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेस, अब मैंने पेमेंट भी कर दिया और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मतलब फिलअप कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ये हुआ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में, ठीक है। आप देख सकते हो इसी तरह आप अपना फिल कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों इसको चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफ़ी, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चल दोस्तों, जय हिंद जय भारत।